लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है, बैरूनी साजिश भी अंदरूनी भी, माफिया बैठे हुए आपकी जान के पीछे। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। कि मेरे खौफ में कि मैं कोई जुर्म कर दूंगा, कोई आईन तोड़ दूंगा, रात के 12 बजे जो अदालतें खोली वो सारी जिंदगी मेरे दिल में बात रह जाएगी। तो मेरे से जब क्या किला है अमेरिका को, मेरे अमेरिका का क्या बिगाड़ा है? मैंने सिर्फ उनको ये कहा, जब मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप अमेरिका को बेच देंगे यानी कि फिर से उनकी जंग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानियों सुनो गौर से मेरी बात, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मुल्क के बाप की जगह रखता है, उसकी कौम उसके बच्चे होते हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानी जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको किसी की जंग में ले जाऊं और मेरे लोग शहीद हो, मेरी फौजी शहीद हो, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं कभी अपने लोगों को किसी और मुल्क के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूं, गुलामी किसी से नहीं चाहता। मौलाना रूमी ने यही कहा कि जब कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है मर जाती है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे पड़ा काजी आपके खिलाफ साजिशें हैं, आपकी जान को खतरा है, मेरी जान से ज्यादा पाकिस्तान को खतरा है। किस चीज से अमेरिका नाराज हुआ? एक एक है जी, मैंने कहा कि हम नहीं मानते, हम अमन में आपके साथ हैं, जंग में आपके साथ नहीं है। दूसरा, जब मैं रूस में गया तो हमने उनसे कहा कि हमें तेल और गंदम चाहिए, दोनों तेल भी 30% कम पे वो हमें दे रहे थे और गंदम भी 30% कम पे हमें दे रहे थे। कि अल्लाह तेरे अलावा किसी के सामने सजदा करना शिर्क है। हम अमेरिका इनसे दोस्ती कर लेंगे लेकिन इनसे के सामने गुलामी नहीं करेंगे। आज 26 साल हो जाएंगे मेरी पॉलिटिक्स में, मुझे 26 साल के बाद पहली दफा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम बन रही है, हम एक कौम बन रहे हैं। माशाल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।